रायपुर शहर में बुधवार को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पक्ष में निकाली गई रैली का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। पक्ष विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बयानों के सियासी तीर छोड़ रही है। इस घमासान में बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। इधर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पक्ष में रैली निकालने वालों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है, साथ ही आयोजक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन सिख समुदाय का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये प्रदर्शन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते किया है। कोमल हुपेंडी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से साफ होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत से घबरा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में घबराहट दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वे एक विशेष समुदाय की छवि को खराब करने में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हुपेंडी ने बीजेपी कांग्रेस पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। उन्होंने अमृतपाल सिंह के पक्ष में निकाली गई रैली को पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस का फेलियर बताया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में रायपुर में रैली निकाली गई थी। रैली में शामिल लोगों का पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा था, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने मोदी शाह और पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और सीएम भगवंत मान का पुतला भी फूंका। वहीं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में छत्तीसगढ़ में रैली निकालने की खबर सुर्खियों में है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बेहद दुर्भाग्यजनक है, बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानी झेल के बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद पंजाब शांत था, लेकिन ये जब से नई सरकार बनी है तब से वहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अभी जिस प्रकार से घटनाएं घटी वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, इसलिए इस प्रकार की जो घटना है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राजधानी रायपुर में कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में लोगों के एक समूह द्वारा रैली निकालने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पक्ष में रैली के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में खालिस्तान मूवमेंट को शक कौन दे रहा है? क्या चुनाव से पहले आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? आखिर भूपेश बघेल सरकार के कानून व्यवस्था को चुनौती कौन दे रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में खालिस्तानियों का प्रदर्शन सोची समझी साजिश है? अगर किसी की साजिश है तो फिर साजिश के पीछे कौन हो सकता है? आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।